बॉलीवुड एक्टर सलमान खान काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं अपनी टाइट सिक्योरिटी को लेकर। काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स में वो आ रहे हैं और इसके साथ साथ उनकी फिल्में भी चर्चा में बनी हुई है, स्पेशली कभी ईद कभी दिवाली। कभी इस फिल्म के टाइटल को लेकर खबरें आती है तो कभी इसकी स्टारकास्ट को लेकर। सलमान खान के साथ इस फिल्म में पूजा हेगड़े, वेंकटेश, जगतपति बाबू एंड शहनाज गिल नज़र आने वाले हैं और अब एक और एक्टर ने इस फिल्म को ज्वाइन कर लिया है। हम बात कर रहे हैं श्वेता तिवारी की डॉटर पलक तिवारी की, जिनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू एंटर बॉलीवुड। पलक तिवारी का ट्रैक दिखाया जाएगा जस्सी गिल के ऑपोजिट और उनका इस स्टोरी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। कहा जा रहा है कि उन्होंने ऑलरेडी इसकी शूटिंग स्टार्ट कर दी है। इस फिल्म में जस्सी गिल, सिद्धार्थ निगम और राघव जुयाल जैसे कई सेलेब्स दिखने वाले हैं जो सलमान खान के तीन भाइयों का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग मुंबई में चल रही है और इसके बाद की शूट हैदराबाद में कंटिन्यू की जाएगी। फिल्म के लिए बहुत ही धमाकेदार तैयारियां चल रही है। इसके लिए बेस्ट म्यूजिक कंपोजर्स को भी ले लिया गया है, साथ ही जो सिनेमाटोग्राफर है वो भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। सलमान खान इस फिल्म को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इसकी वास्ट स्टार कास्ट के बारे में तो हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं। कभी ईद कभी दिवाली December 30, 2022 को रिलीज होगी। सलमान खान के बर्थडे से कुछ दिनों बाद और न्यू ईयर पर भी एंटरटेन करती रहेगी।